जिला परिषद के दुकानों के लिए सीढ़ी बनाने का शिलान्यास। बुधवार की संध्या 5:45 बजे पथरगामा चौक के पश्चिम की तरफ जिला परिषद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दूसरी मंजिल के ऊपर जाने के लिए 4 लाख की लागत से बनाए जाने वाली सीढ़ी का शिलान्यास जिला परिषद अध्यक्ष बसंती देवी तथा जिला परिषद सदस्य पूनम देवी के हाथों सम्पन्न हुआ। मौके पर उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रविन्द्र कुमार महतो, उपाध्यक्ष विलास मंडल, संवेदक मनोज कुमार आदि मौजूद थे। वहीं शिलान्यास के उपरांत सभी के लौट जाने के बाद जिला परिषद सदस्य फूल कुमारी देवी ने शिलान्यास का जमकर विरोध किया, शिलापट भी उखाड़ने की धमकी दे डाली। उनका कहना था कि यह क्षेत्र पूर्व के अंतर्गत आता है तो पश्चिम की सदस्य शिलान्यास कैसे कर गई, यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है। शिलान्यास के वक्त काफी सारे लोगों ने विरोध किया। तो इसको यहाँ से उखाड़ के फिर से शिलान्यास होगा तभी काम शुरू होगा, नहीं तो मैं काम शुरू होने नहीं दूंगा। बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में युवक गिरफ्तार। पोड़ैयाड थाना क्षेत्र के सलैया पंचायत के अंतर्गत भुट्टू टोला गांव के 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पोड़ैयाड पुलिस ने आरोपी संजय हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फल सब्जियों फुटकर बाजार की हुई नीलामी। पथरगामा में 50,000 रूपए राशि रखी गई थी। 50,500 रूपए में गोलू पंडित के नाम हुआ क्लियर, जिसमें फुटानी हार्ट चिलकारा 50,800 रूपए में विकास कुमार उर्फ विक्की सिंह के नाम हुआ। बारकोफ हार्ट 50,900 रूपए में मनोज कुमार शाह के नाम हुआ। बरमसिया हार्ट 50,400 रूपए में सोनू कुमार के नाम हुआ। रूपूचौक हार्ट 50,551 रूपए में अमित टुड्डू के नाम हुआ। अवैध बालू उठाव रोकने में पुलिस नाकाम। धड़ल्ले से चल रहा है अवैध बालू का कारोबार। पोड़ैयाहाट विश्वनाथ मंदिर के समीप त्रिवेणी नदी से प्रत्येक दिन 100 से 150 तक अवैध बालू उठाव हो रहा है, जिसकी जानकारी कई बार प्रशासन को भी दी गई, लेकिन इसे रोकने में प्रशासन हो रहे नाकाम। स्थानीय भाजपा नेता मनीष राजपूत ने बताया कि त्रिवेणी नदी में बालू माफियाओं ने अपना वर्चस्व कर बालू का अवैध खनन करके पास में ही डंपिंग कर बिहार भेजने का धड़ल्ले से काम हो रहा है। हालांकि इससे पूर्व में भी बालू की समस्या को लेकर इसी नदी में एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई थी और 2 दिन पूर्व में एक मवेशी को भी घायल कर दिया गया था। ऐसे में यह अवैध कारोबार आम लोगों के जान माल को भी नुकसान कर रहा है। ऐसे में प्रशासन का इस पर लगाम नहीं कर पाना चिंतनीय है। हालांकि इस विषय में पोड़ैयाहाट के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 20 सूत्री अध्यक्ष देवेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व यह मामला 20 सूत्री की बैठक में उठाया गया था और अंचलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक प्रशासन इन पर नकेल नहीं कस पाई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मनीष राजपूत ने कहा कि इस विषय को लेकर वह मुख्यमंत्री को लिखेंगे और प्रधानमंत्री को भी इस समस्या से अवगत कराएंगे। हाईकोर्ट की फटकार के बाद 24 साल से चल रहा फरार मुजरिम 24 घंटे में हुआ गिरफ्तार। पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 3894 के तहत 24 साल से चल रहा फरार चुल्हाई रविदास को पोड़ैयाहाट पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। क्या केस हुआ था पोड़ैयाहाट में 1994 में 3894 केस नंबर था पोड़ैयाहाट का। उसमें ये डकैती हुई थी, उसी में ये रजिस्टर्ड नेम्ड अभियुक्त था जो विगत लगभग 24 सालों से फिरार चल रहा है, जिसकी आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एक इसी को गिरफ्तार करने के लिए एसपी साहब के द्वारा टीम गठित किया गया था, जिसमें हमारे नेतृत्व में इंस्पेक्टर अभी तत्कालीन इंस्पेक्टर जो है पोड़ैयाहाट थाना प्रभारी पोड़ैयाहाट और वहाँ के कुछ जिला बल के जवान थे जो हम लगातार छापामारी कर रहे थे। ये पकड़ा है गुडम गुदरी हटिया के पास से। कहाँ करने वाला सर? ये चुलाई रविदास है, पेशर छक्कू रविदास, ये सैदापुर मुफसिल में पड़ता है सैदापुर।